यानी के पीएसएल का अहम तरीन मैच और क्रिकेट का 1800 साल तजुर्बा यहाँ पे, फिर गवर्नर सिंध बैठे हुए, वो सबके सब गलत साबित हो गए। और अब मैं जरा पॉइंट्स, ये क्या मेरी गुनाहगार आंखें सही थी? क्योंकि मुझे याद है कि यूनुस भाई ने कहा था कि अब जो है ना, मैं हालांकि आदि भाई पीछे थे, यूनुस भाई ने कहा नहीं, मैं और आदि अब बराबर हो गए, अब यहां से हमारा मुकाबला शुरू होगा। तो दोनों के हो गए 15-15 पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ? आदि भाई यूनुस खान से आगे। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर आदि भाई के कॉमेंट्स। आदि भाई ऐसा वाले सर क्या कर रहे हैं आप? सर मेरे साथ भी एक सेल्फी कर रहे हैं। थैंक यू सर। लेकिन हाँ, ये मतलब क्या हुआ? आवाज नहीं आई सर। मतलब पीएस क्या हुआ? कौन जीता वसीम बदामी? आवाज नहीं आई मुझे। मैं अब पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड पीएसएल, यस, पीएसएल का सबसे इंपॉर्टेंट सीजन पीएसएल 8, यस, पीएसएल 8 का सबसे इंपॉर्टेंट मैच क्वालिफायर, यस, क्वालिफायर में लाहौर का मुकाबला मुल्तान से, यस, इसमें हुई प्रेडिक्शन, यस, सबने कह दिया लाहौर, यस, मुझे यकीन हो गया लाहौर जीतेगा, यस, आपने कह दिया मुल्तान, आप जीत गए। ये कैसे, मतलब कैसे क्या? भाई पहले तो मैंने भी कहा था घर में मुल्तान सुल्तान, मैंने भी घर में कहा था शो देखे कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा। लोग एक ही बात कर रहे हैं सारे खूबसूरत लोग। पहले तो लाहौर कराची से हारा, हाँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छा, लेकिन आज मुल्तान से आ रहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाहौर को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए नहीं, और जाके टिम हॉर्टन्स की कॉफी पी लेनी चाहिए। भाई इस कामयाबी में सबसे पहले आप किसका शुक्र है? सबसे पहले मैं, अगर आप टाइम देते हैं मुझे, तो मैं ये स्पीच लिख के लाया। क्या बात कर रहे हैं? जी। नहीं है, स्पीच तो होनी चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, यार मेरा नाम आजिदी अमजद है, वालिद साहब का नाम अमजद नवाज, दादा का नाम नवाज लोन। मैं आज की जीत पे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कामरान अकमल और साथ में यूनुस खान साहिब और साथ में गवर्नर सिंह, कुछ ना बोलिएगा कराची में रहने आपने, आगे बस स्किप कर जाए। गवर्नर सिंह को माइनस करते हुए ये सही, अच्छा डिसीजन है। इसमें ज्यादा माइंड कर सकते हैं माइनस करते हुए, देखिए अच्छा डिसीजन। नहीं माइनस मतलब नेगेटिव लिस्ट से माइनस कर दिया ना, कमेंट माइनस करते हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपना और अपने दिमाग का और अपनी सोच का कि उसने इतने बेहतरीन तरीके से टीम की कारकर्दगी को देखा। कारकर्दगी इतनी माहिरीन तरीके से टीम के आगे किसी करते कारकर्दगी पे इतना अच्छा डिसीजन लिया। मैं एयर बाय न्यूज से गुजारिश करता हूँ कि मेरे बजट में 50,000 बढ़ा दे। और आपने यूनुस खान को हराने को इतनी छोटी बात कर दी सर, सारा इंप्रेशन में बड़ा गलत कर दिया। वसीम भाई मैं पहली बार तो नहीं जीता हूँ, ये बात अब तो आपको आदत हो गई। जीत तो मेरी किस्मत में लिखी है। अच्छा, तो आज मैं यूनुस भाई के लिए एक छोटा सा तोहफा भी लेके वो क्या सर, मेरे तजिया लेना है पूरे पाकिस्तान के सामने, हमारे कैप्टन, हमारे उस्ताद यूनुस खान साहब, आपके लिए मैं एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। मैं घर से निकल रहा था तो मेरी मामा ने कहा कि जाते जाते यूनुस भाई के लिए तोहफा ले जाओ, तब तो मैं तोहफा लेके आया यूनुस भाई, ये मैं आपके लिए। जैसे मैंने वर्ल्ड कप उठाया, ये किसका है? ये मैं नहीं, इनका, ये सादिया जी का है। अच्छा, फिर मेरी मामा ने सादिया जी का पर्स चुराया होगा। आप बैठे यहाँ क्रिकेट क्या हो गया आपके यार? ये देखिए आप सब, अगर मुझसे आप कोई सवाल करें तो ये कल बीमारी हुई है। कल क्यों बीमारी? इसलिए हो गया जब ये अपनी प्रेडिक्शन देख रहे हैं। यूनुस खान ने इतराज़ उठा दिए, ये इतना उठ के क्यों बोल रहे होते हैं भाई? जज्बात में ना, इतना जज्बात हो, अब हमें भी, हम अंडर प्रेशर हो गए, तब मैं भी सोच खड़े हो गए, पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर क्यों होती इतनी जल्दी यार? एक आउट होता नहीं, लाइन लग जाती है प्रेशर में।
तो सर लेकिन अब बताएं जरा चलें प्रेडिक्शन उनकी सही सर मैं तजिया अगर ले सकूं थोड़ा सा जो मर्जी ले सही तो मेरा ही होना।